बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का पेज नंबर 16 जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास प्रीडिसेसर और सक्सेसर है, ठीक है। प्रीडिसेसर का मतलब है कि हमारे पास पहले वाला नंबर कौन सा है, यानी कि बिफोर नंबर कौन सा है। अब आपने लास्ट वाला डिजिट को देख के डिसाइड करना होता है। 6491 ये हमारे पास 2 से क्या आता है, 1 पहले आता है। हमने लास्ट डिजिट को देखे यहाँ पे क्या लिख दिया, 1। बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। इसी तरह 6924 है। अब 4 से पहले आपके पास क्या आता है, 3, तो हम यहाँ पे 6923 लिख देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द सक्सेसर, यानी कि बाद में कौन से नंबर आते हैं। अब आपने लास्ट डिजिट को देखना है, आपने देखना है इसके बाद कौन सा नंबर आता है, 1597, ठीक है। तो 6 के बाद क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 63251, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट वाला डिजिट देखे, 1 के बाद क्या आता है, 2, बाकी सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम। अच्छा बच्चों, आप लोग इसको आफ्टर और बिफोर से भी समझ सकते हैं। प्रीडिसेसर पहले यानी कि बिफोर, सक्सेसर बाद वाला यानी कि आफ्टर वाला नंबर। अब हम पेज नंबर 17 पे आते हैं। इसमें आपने ये बताना है कि अगर जो सर्कल लगा हुआ है जिस वैल्यू के ऊपर, अगर तो सक्सेसर है, सक्सेसर वाले पे ब्लॉक पे टिक कर देंगे। अगर प्रीडिसेसर है तो प्रीडिसेसर वाले पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। 5698 और 5697 अभी हमारे पास सक्सेसर है, क्यों, क्योंकि ये बाद में आता है ना, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। इसी तरह 4430, 4429 अभी प्रीडिसेसर है क्योंकि ये पहले आता है, तो हम प्रीडिसेसर वाले में हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो बेटा बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 19। इस पे आपने ग्रेटर देन और लेस देन लगाने हैं, ठीक है, बॉक्स में फिल करने हैं। ये आप लोग पहले 2 क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेटर देन कब होगा और लेस देन कब होगा। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा वाला नंबर और लेस देन का मतलब होता है छोटा वाला नंबर। जिस तरफ साइन जो है वो बड़ा होगा, आपने नेगेटिव का फेस उस तरफ क्या कर देना है, ओपन कर देना है, ठीक है। अब आपने देखना है 5648 और 5640। अब हमने किस वाले नंबर को देख के, हमने 8 वाले नंबर को देख के क्या किया, ग्रेटर देन का साइन लगाया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1s लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह 6249, 6549 अभी हमारे पास लेस देन है, तो हमने कौन से वाले नंबर को देखा था, 2 वाले के, क्योंकि बाकी तो हमारे पास सेम आ रहे हैं ना, तो ये 100 वाली प्लेस पर है, यानी कि 100 लिख देंगे यहाँ पे। इस तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 5439882450। अब इसमें हमारे पास ये क्या आ रहा है, वो ग्रेटर देन आ रहा है, क्योंकि 10,000 है ना। अब सारी वैल्यू से देखें, 459398 और कोई सेम तो नहीं है ना, ये हम यहाँ पे 10,000 की प्लेस लिख देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी सिंबल्स ग्रेटर देन और लेस देन। इसमें भी हमने डिजिट्स को देख के जो है ग्रेटर देन और लेस देन लगाना होता है। अब देखिए 3024 और 4023, अब ये छोटा ये बड़ा, तो एलिगेटर का फेस इसकी तरफ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। 8075 और 8002, अब ये ग्रेटर देन है, तो एलिगेटर का फेस इस तरफ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो बेटा बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। अब हम पेज नंबर 20 पर आते हैं। इसमें हमने देखना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हमने छोटी वाली वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू की तरफ जाना होता है। अब जैसे कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखनी है 3199, उससे अगली उससे बड़ी लिखेंगे, उससे बड़ी लिखेंगे और आखिर में सबसे बड़ी वैल्यू लिख देंगे। इसी तरह पुट दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर की तरफ आना है। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास नंबर्स दिए, सबसे पहले हमने देखना है बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 8944, हमने यहाँ पे 8944 लिख दिया। उससे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है हमारे पास, 8491, वो लिख दिया। फिर 8149 और सबसे छोटा 4819। तो हमने आज बच्चों ग्रेटर देन लेस देन सीखा, प्रीडिसेसर सक्सेसर सीखा, सेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का सीखा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।